कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के एक नेता ने उनकी रणनीति को देश के सामने उजागर कर दिया। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए कहा है, तो वोट देने मतलब वोट जिहाद के लिए कहा जा रहा है। ये एक शिक्षित परिवार से आया हुआ बयान है, किसी मदरसे से निकले बच्चे से नहीं। इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस बयान का विरोध नहीं किया। एक तरफ इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, माफ कीजिए, एससी एसटी ओबीसी और सामान्य श्रेणियों को विभाजित करने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो वोट जिहाद का नारा लगा रही है। इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राम पर अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दे चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि हर तरफ उनके बयान की निंदा की जा रही है। जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिव है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये शिव हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं मल्लिकार्जुन, मेरा नाम मल्लिकार्जुन और मैं भी शिव हूं। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, बराबर ये राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं, अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर पलटवार, मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला किया गया है, आस्था का मजाक बनाया गया, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह तीखा हमला, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है
और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर बड़ा निशाना, समाज को बांटने का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस ने बांटने का काम किया है। वह हर एक मुद्दे पर कर रही है, उसने जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर समाज को बांटा है, इससे पहले भी बांटा है, आगे भी वो लगातार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी समाज को जाति आधार पर बांट करके और फिर देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के अधिकार को वह कैसे अल्पसंख्यकों को बांटने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बन रही है, या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी इस बात का उल्लेख करता है। इसलिए कांग्रेस अपनी हार की खिसियाहट को किसी न किसी रूप में अब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करके व्यक्त करना चाहती है। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने दावा किया है कि 4 जून 12:30 बजे से पहले बीजेपी 400 पार कर लेगी। उन्होंने कम मतदान होने पर कई कारण बताए हैं, सुनिए। अमित जी, आपको न्यूज 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शहर में हैं, आपकी कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर में है, साबरमती रिवर फ्रंट पे हैं। शुरुआत करते हैं, अगर आप पहले दो फेजेस को देखें, और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी पे है जी? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है।